नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महापंचायत जिला अध्यक्ष बालू राम भीचर ने बताया कि सरवार उपखंड क्षेत्र में खरीफ की फसल 2021 संपूर्ण नष्ट हो चुकी है। बोई गई फसल मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, कपास, तिल आदि फसलें पहले तो वर्षा के अंतराल से जल गई, फिर सितंबर माह में अधिक वर्षा होने के कारण फसल गल गई और जो उत्पादन था उसके दाने काले पड़ गए। इस कारण 60% फसल नष्ट हो चुकी है, पैदावार नगण्य है और पशुओं के चारा भी संकट है। अब आगे रबी की फसल की बुआई किसान बिना पैदावार के नहीं कर सकता है, इसलिए तत्काल खरीफ की फसल की गिरदावरी रिपोर्ट बनाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आदान अनुदान राशि के तहत मुआवजा दिया जाए। इसमें बीमा कंपनियां किसानों से केसीसी के सीधे बैंक खातों से प्रीमियम राशि काटती है, जैसे कि मूंग उड़द फसल पर प्रति हेक्टेयर 845 रुपए कंपनी देती है और फसल खराब होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 45,000 रुपए बीमा राशि देने का वादा करती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि बीमा कंपनियों को बाध्य करें और राज्य सरकार भी प्रति हेक्टेयर फसल खराबान आदान अनुदान राशि देने दी जाए, जिससे किसानों को आने वाले समय रबी की फसल बुआई करने में आसानी होगी। इसी बीच किसान महापंचायत जिला अध्यक्ष बालूराम भीचर, भारतीय किसान संघ तहसील उपाध्यक्ष विष्णुपुरी गोस्वामी, जीवराज जाट, रामेश्वर जाट, गोपाल जाट, महेंद्र लक्ष्मण, बलराम जगदीश, भागचंद्र, परमेश्वर गोविंद, पन्नालाल, रामलाला के हरिराम, रामस्वरूप, हेमराज, भागचंद, धनराज सहित आदि किसान मौजूद रहे। सरवार उपखंड में श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को हम ज्ञापन देने आए हैं और हमारा ज्ञापन का मुख्य मुद्दा है कि जो इस सरवार उपखंड क्षेत्र में जो पहले तो वर्षा की देर से फसलें जल गई थी और फिर रही सही कसर जो सितंबर में बरसात हुई थी, उसलिए फसलें आड़ी पड़ गई, फिर पानी से कड़ गई और उत्पादन नगण्य है। तो आज हम एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग पत्र ज्ञापन सौंप पर सभी किसान सामूहिक मांग कर रहे हैं कि हमें तत्काल राज्य सरकार फसलों का जो खराब है उसकी गिरदावरी रिपोर्ट बनाए, तत्काल खेतों पर जाके पटवारियों को बाध्य करे और इसी के साथ ही फसलों का खराब होगा मुआवजा दिया जाए। इसी के साथ ही जो अजमेर जिले में अधिकृत है बजाज इंश्योरेंस एग्रीकल्चर कंपनी, वो हर साल हमारे किसानों के जो केसीसी है किसान क्रेडिट कार्ड उसके खातों में बैंकों से सीधा प्रीमियम राशि काट लेती है और जब फसलें खराब हो जाती है मुआवजे के नाम पर एक कोड़ी भी नहीं देती है, अगर मगर किंतु परंतु करती है। तो हम मांग करते हैं कि तत्काल राज्य सरकार फसलों का खराब दे एवं बजाज कंपनी इंश्योरेंस जो अजमेर जिले और सरवाड़ उपखंड के लिए अधिकृत है उसके लिए उदाहरण के तौर पर मूंग उड़द की फसल पर प्रति हेक्टर 845 रुपए सीधा किसानों के खाते से लेती है और बजाज इंश्योरेंस कंपनी ये फसल बीमा इंश्योरेंस कंपनियां वादा करती है कि आपकी फसल खराब होने पर किसानों को 845 रुपए प्रति हेक्टर राशि लेती है और 45,000 रुपए आपको बीमा का वादा करती है। लेकिन अब हम कहते हैं कि हमारी फसलें खराब हो चुकी है, चाहे मैं कंपनी को सुझाव देता हूँ और कंपनी को मैं एक गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी पंचायत में रेंडम करा लें, क्यों सही बात है ना, चाहे आप भगवानपुरा में करा लो, जडाना में करा लो, सराना में करा लो, चाहे किसी भी पंचायत में जो हमारे 30-35 पंचायतें हैं हम रेंडम करा ले। ये सभी किसान भाई आए हैं और हमें 45,000 का जो आप वादा देते हो 45,000 रुपए दे, राज्य सरकार भी मुआवजा दे। और एसडीएम साहब से निवेदन है, अभी हमारी फोन पे उनसे वार्ता हुई, वो कोई सरकारी काम से गए हुए हैं कि आप हमारे लीडर को दे दीजिए, हम तत्काल करेंगे भगवानपुरा पंचायत में अब रेंडम होगा। कौन है भगवानपुरा किसान, अब आपके कृषि शिविर लगाएंगे, डिप्टी डायरेक्टर आएगा, बजाज कंपनी के ये सब अधिकारी आएंगे, उनको बताएंगे। और मैं तो चैलेंज करता हूँ बीमा कंपनी को किसी भी पंचायत में रेंडम करा लो, हम सब किसान आए हैं और हमें तत्काल जो फसलें खराब हो गई है वर्ष 2021 में इसका सरकार मुआवजा दे और फसल बीमा योजना का लाभ दे। इसी के साथ ही मैं फिर किसानों से आह्वान करता हूं कि पीछा नहीं छोड़ना है, जब तक हमारे खेत मूंग उड़द की फसल 845 रुपए लेती है हर साल तो हमें 45,000 रुपए प्रति एकड़ दो। इसी के साथ ही मैं आपका अपना बालूराम पीछा जिला अध्यक्ष किसान महापंचायत अजमेर, राम राम सा किसानों, एक रहो।